सो गाइस करें शुरुआत। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। उस बैंगन के ऊपर हम लगाएंगे सरसों का तेल भुनने से पहले। इससे क्या होता है, जो इसकी पपड़ी होती है ना, आराम से उतर जाती है और काला काला पन भी नहीं आता बैंगन में। जो देखिए मैंने सारा अच्छे से तेल लगा दिया है, अब उसको गैस के ऊपर रख देंगे भुनने के लिए। और जब तक हम बाकी प्रिपरेशन करते हैं, टमाटर काटते हैं, प्याज काटते हैं, हरी मिर्च काटते हैं, अदरक काटते हैं, जब तक ये भुनेगा हमारा सामान तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे बैंगन भुनेगा हम इसको धीरे धीरे से ऐसे पलटते जाएंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे। ये बैंगन अच्छे से भुन गया है चारों तरफ से, अब इसको हम गैस के ऊपर से हटा देंगे। अच्छे से इसको चेक कर लेंगे, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, बिल्कुल साफ है। आप इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। मैं तो बैंगन को ना ऐसे ही मैश करती हूँ गिलास के साथ, जो इसका तीखा पन्ना इसे कट भी जाता है और अच्छे से मैश भी हो जाता है। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे हरे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। थोड़ी सी हरी मिर्च, अब डालेंगे लाल मिर्च और नमक। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। अभी टमाटर को थोड़ी देर हम गलने देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, कलर देखो कितना अच्छा आ गया है सब्जी का ना। अब इसमें डालेंगे हम ये बर्फा जो हमने मैश किया बैंगन।
हमारा तैयार है ये हरे प्याज का भरता। सोना सोना कलर आया है बरसेरा।